What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lab. आज है 10 अक्टूबर आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बहुत शानदार क्वेश्चनों के साथ में। जल्दी से क्वेश्चनों के चौके और छक्के छुड़ाते हैं। कभी भी क्वेश्चनों को आप लोग ऐसे लेके नहीं चलना है कि पता नहीं यार क्या करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। हल्का सा माइंड रखना है, लाइट मूड रखना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है। जितना शानदार अपना मूड रखोगे उतने ही शानदार तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और उतने ही ज्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर पाओगे। वीडियो के एंड में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे। भले ही 1, 2, 3, 0 भी क्यों ना हो, आप लोगों का स्कोर लिखना है। इस लेक्चर की पीडीएफ नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और इसके अलावा वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, इंडिया और जापान की जो ये एक्सरसाइज है उसके बारे में। इंडिया और जापान की जो एक्सरसाइज है ये अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिल रही है, कहां पर? ये है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, या फिर आप लोगों को मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ये 2018 की, जिसको बोला जाता है जिमेक्स, ठीक है, 2018 इंडिया और नेपाल, इंडिया और जापान के बीच की बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहां से आप लोगों के लिए दो बन सकते हैं अलग से। एक तो पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अलग से यहां पर ये बन सकता है कि ये रिसेंटली जो एक्सरसाइज अभी हुई है ये किस एरिया में हुई है, या इंडिया में हुई है, जापान में हुई है। इंडिया में हुई है तो कहां पर हुई है, यानी कि बंगाल में हुई है या फिर अरेबियन सी में हुई है। तो पर्टिकुलर इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, तो इसमें से आप लोग के दो क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि एम क्या है, ये 2 दिन की एक्सरसाइज है। पहली बात तो ये बोली जा रही है, क्या स्टेटमेंट चाहिए? नहीं, 2 दिन की एक्सरसाइज नहीं है, 8 दिन की एक्सरसाइज है। याद कैसे रख सकते हैं, 2018 और 8 दिन की एक्सरसाइज है, इस तरीके से कनेक्ट थोड़ा कर सकते हैं आप लोग। तो इस 8 दिन में क्या किया जाएगा, एक दूसरे की जो यहाँ पर नेवी है उसको एक दूसरे को समझा जाएगा और उसके बेस पर आगे काम किया जाएगा, यानी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की किस तरीके अंदर की जो क्रियाकलाप है किस तरीके से काम किया जाता है, इंटर ऑपरेबिलिटी क्या है उसको समझा जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, तो इन सब कामों पर ये काम किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 8 दिन की एक्सरसाइज है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर तो हो गया ये, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में डे यहाँ पर गलत दिया है। थोड़ा सा जान लेते हैं, तो जिमेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में, 8 दिन की एक्सरसाइज है। तो इंडियन और जापान की नेवी के द्वारा आप लोगों को ये एक्सरसाइज है, तो हल्का सा आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये निकल के आ रहा है काफी शानदार, आप लोगों को अभी देखने को मिला 150वीं गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक आप लोग बोल सकते हैं पाथ तैयार कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगले साल 2019 में 2 अक्टूबर जो होगा वो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी गांधी जी की, तो इसलिए गांधी जी काफी न्यूज में है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को क्या बोला जाता है, ये इनको साउथ अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। इसी तरीके से हमारी कंट्री में नागालैंड के गांधी इनको बोला जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो नाम याद रखिएगा। नाम है इनका नटवर ठक्का, ठीक है। तो इनकी भी डेथ हो गई है, तो इनकी डेथ हो गई है कहां पर, अभी आसाम में डेथ हुई है, पर लेकिन नागालैंड के गांधी बोला जा रहा है, ठीक है, हल्का सा याद रखिएगा। ये आप लोग देखते हैं यहां पर नागालैंड कहां पर है, ये हो गया नागालैंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया हमारा, यहाँ पर नागालैंड हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम और ये हो गया मणिपुर। तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है जिनके इनको गांधी बोला जाता है, ठीक है। गांधी क्यों बोला जाएगा, गांधी इसीलिए बोला जाएगा जो सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचे, अपने बारे में कम सोचे। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने किया, बहुत कुछ इन्होंने किया, खासकर अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जाके, अभी हल्का सा भी नजर डालेंगे उसके ऊपर। इसके अलावा जो यहाँ पर ये पर्सन है इनको सोशल एक्टिविस्ट, और इन्होंने यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट काम किया, नागालैंड गांधी आश्रम भी इन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नागालैंड गांधी आश्रम किसके द्वारा बनाया गया, तो ये है नटवर ठक्कर जी, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ जो भी इन्होंने अपना काम किया है वो सारा गांधीयन फिलोसफी पर चल के काम किया है, यानी कि एक तरीके से पीस के साथ में इन्होंने काम किया, जो भी इनको करना था। और इन्होंने खासकर गांव वाले एरिया में जिस तरीके से गांधी जी का एक मन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी ने हमेशा ये बात बोली कि हमारी जो कंट्री की आत्मा है वो गांव में बसती है, तो इसलिए आप लोग गांव वाले एरिया को डेवलप करो तो हमारी कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला था पंचायती राज सिस्टम को लेकर आओ और पावर जो होनी चाहिए वो ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को देनी चाहिए, पर लेकिन हमारे संविधान में तो पंचायती राज सिस्टम हम लोग लेकर नहीं आए, हम लोग बाद में जाके 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन किया ने, उसके बाद में जाके हमारी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आई। तो ये फंडा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो इनके द्वारा भी इसी तरीके से कुछ काम किया गया। इनको हमारी कंट्री का 4th highest जो सिविलियन अवार्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह अवार्ड का नाम है पद्मश्री, 1999 में दिया गया प्रेसिडेंट के आर नारायण जी के द्वारा।
इसके अलावा ये स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में रहते थे। देखिए जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, गांधी जी साउथ अफ्रीका तक गए अपना लोगों के लिए, इसी तरीके से उन्होंने और भी कई सारी कंट्री की यात्राएं की। तो इसी तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र छोड़कर नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया में जाकर ये बसे और वहां पर इन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया। ठीक है, 23 की एज में यहां से निकल गए थे 1955 में, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए मतलब दूसरी चीजों के लिए, दूसरे पर्सन के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देना, इसी के नाम पर नॉर्मली आप लोग पर्सन को गांधी बोल सकते हैं। इसीलिए इनको नॉर्थ ईस्ट का गांधी या फिर आप लोग नागालैंड का गांधी उनको बोलते थे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बात की जा रही है कि आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी दो स्कीम लॉन्च की है। पहले का नाम है, ये दोनों स्कीम को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे इसके बारे में और भी कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले का नाम है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सशक्त किसान योजना, यानी कि किसानों को किस तरीके से सशक्त बनाया जा सकता है, यह है पहली स्कीम का नाम। ठीक है, इसको बोला गया SKY। ठीक है, और दूसरी है यहाँ पर, यह है चीफ मिनिस्टर कृषि समूह योजना। ठीक है, तो दूसरी यह वाली योजना है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? अभी देखेंगे यहां पर स्टेटमेंट सही है नहीं है। पहले आप लोग सेकंड स्टेटमेंट देखिए। बोला गया कि दोनों स्कीम का जो एम है वो ये है कि किस तरीके से हम लोग फार्मर जो किसान होते हैं उनको एक ऐसी अप्रोच दे सकते हैं ताकि वो मार्केट में इंटरवीन कर सके, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा सके, एक अच्छा काम कर सके। तो ये बात बोला गया है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जी हाँ, तो आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं, बात क्या क्या की जा रही है और क्या क्या यहां पर लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, ना कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेटमेंट पहली गलत हो गई। दो स्कीम लॉन्च की गई है, यहाँ पर है चीफ मिनिस्टर सशक्त किसान योजना और दूसरा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कृषि समूह योजना। दोनों का अलग अलग पर्पज है। पहली जो स्कीम लॉन्च की गई है चीप, यह है यहाँ पर जो है सशक्त किसान योजना, इसमें ऑलरेडी 3 स्कीम पुरानी चल रही थी जिनको इसमें सब्ज्यूम किया गया है, यानी कि इसमें मिलाया गया है। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी पहला, दूसरा चीफ मिनिस्टर एग्री मैकेनाइजेशन, यानी कि जो आप लोग मशीन वगैरह जो यूज करते हैं उसकी स्कीम थी, और तीसरा था चीफ मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर टी एंड द रबर। ठीक है ना, तो उस एरिया में जो भी टी की खेती की जाती है, जो रबर खेती की जाती है, उन सबको मिलाकर इस अकेली स्कीम में डाल दिया गया है। पहला तो ये काम किया गया है। ओके, जो दूसरी स्कीम है यहाँ पर, इसका वो काम है जो हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन में देखा। दोनों स्कीम का काम नहीं है, वो एक स्कीम का काम है। ये है यहाँ पर कृषि समूह ये योजना। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम यह है, एम इसका यह है किस तरीके से किसानों को एम्पावर कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एक अप्रोच बना सकते हैं ताकि जो हमारे किसान होते हैं उनको अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया जा सके ताकि मार्केट में इंटरवीन कर सके, यानी कि अपना कोई प्रोडक्ट अगर वो लेके आते हैं तो उसको मार्केट में जाकर बेच सके, किसी इंटरनल फैक्टर की उनको जरूरत ना पड़ेगी, सामने वाला आकर कोई बिचौलिया काम करेगा और फिर आधे से ज्यादा वो काम अपने आप ले जाएगा, आधे से ज्यादा वो खा जाएगा। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2022 तक का क्या टारगेट है, ये टारगेट है किस तरीके से किसानों की इनकम को डबल करना है, तो उसके लिए भी ये यहाँ पर रोल प्ले करेगी ये वाली स्कीम। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को अगर मैप में जाकर निहारेंगे तो आप लोगों को यह बताना है कि कौन कौन से स्टेट अरुणाचल प्रदेश को टच करते हैं हमारी कंट्री के। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, न्यूज में भी रहते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को नॉर्मली चाइना अपना पार्ट बताता है, इसके ऊपर हमारी लड़ाई भी चलती है चाइना के साथ में, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में जरूर होना चाहिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये आ रहा है उड़ीसा के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा गवर्नमेंट है जो जिनके चीफ मिनिस्टर आज के में नवीन पटनायक, उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है, ये है निर्माण कुसुम, एक स्कीम है जो यहाँ पर लॉन्च की गई है इसके नाम से। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उड़ीसा के द्वारा, चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, तो इनके द्वारा लॉन्च की गई है। क्या करेंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे जो बच्चे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके जो बच्चे हैं अगर वो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको ये पैसा मुहैया कराएंगे, यानी कि उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बात ये की जा रही है कि यहाँ पर जो ITI है उसके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे 23,600 रुपए, और जो यहाँ पर डिप्लोमा अगर कोई लेना है उसके लिए जाएंगे 26,300 रुपए पर एनम। ये यहाँ पर कंप्लीट स्कीम है। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, आप लोग इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। एक बार मैप में निहार लेते हैं, ये यहाँ पर आप लोग उड़ीसा इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कितने 4 स्टेट यहाँ पर टच कर रहे हैं। अरुण ये यहाँ पर तेलंगाना को टच नहीं कर रहा है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों के सामने स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्कीम कंप्लीट यहाँ पर सही है, दोनों ही यहाँ पर ये है इस तरीके से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, सबके लिए नहीं है। ओके, तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए है, और खासकर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, यानी कि BA BSc वगैरह कोई किया जा रहा है, नॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन ITI वगैरह या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह लेना है उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान जो लगाया गया है वो कितना लगाया गया है? ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो जो इस साल के लिए लगाया गया है ये तो लगाया गया 7.3, और नेक्स्ट 2 ईयर जो आने वाले हैं उनके लिए लगाया गया 7.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अभी किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसका नाम है यहाँ पर फ्यूचर ऑफ द इंडिया, ये फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया। ठीक है, तो
तो यह रिपोर्ट यहां पर, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा तो ये स्विट्जरलैंड में 1971 काफी इंपोर्टेंट ईयर है। इसी टाइम पर जो पाकिस्तान है उससे, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गए थे और 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ में वार भी हुआ था। तो हल्का सा ऐसे आप लोग कोई भी तिड़मबाजी करके इस तरीके से कनेक्ट चीजों को कर सकते हैं। तो इसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, अभी कौन से प्लेस पर स्टेब्लिश किया गया एशिया का, ये इंडिया का नहीं है, एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो यहां पर किया गया पटना। पटना आप लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा और आज के डेट में जो चीफ मिनिस्टर है यहां पर नीतीश कुमार जी है, काफी न्यूज में भी रहते हैं कई सारे रीजन की वजह से। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो कहां पर है, पटना में, और एशिया का फर्स्ट है इसलिए थोड़ा इंपोर्टेंट है, हल्का सा इसके बारे में आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एशिया में फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट, या किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई काम फर्स्ट किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर जरूर चला कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात की जा रही है अभी यहां पर रिसेंटली गृह मंत्रालय ने नई बटालियन बनाने की बात की है जिसको रैपिड एक्शन फोर्स बताया गया है, तो यहां पर ये कितनी बनाने की बात की गई है, तो ये 5 बनाने की बात की गई है। तो कौन करता है ये काम, ये काम किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। रैपिड एक्शन फोर्स क्या होता है, ये इनका काम होता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके का दंगा फसाद है, कोई क्राउड इकट्ठी हो गई है, तो इसको तितर बितर करना, ये काम इनके द्वारा करा जाता है, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1991 से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सीधा सीधा यही है कि किस तरीके से जनता में शांति और खुशी रखनी है, और यहां पर चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है, तो इनके द्वारा यहां पर बात की गई है। तो कौन कौन से एरिया है जहां पर ये लॉन्च करने की बात की गई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, तो थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो 5 बटालियन बनाने की बात की गई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, हाजीपुर बिहार, जयपुर राजस्थान, नेक्स्ट यहां पर मैंगलोर कर्नाटक और नुह हरियाणा। तो यहां पर 5 जगह बनाने की ये बात की गई है बटालियन, जिनका नाम है जिसको आरएएफ भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो रैपिड एक्शन फोर्स, तो हल्का सा आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर इसके बारे में, ओके। तो आंसर क्या होगा यहां पर, 5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहां पर कौन से स्टेट के द्वारा जो यहां पर कैदी होते हैं जेल में बंद, उनको अभी वीडियो कॉल करने के लिए अपनी फैमिली के लिए और रिलेटिव के साथ में अलाउ कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा यहां पर हो रहा है जब यहां पर वीडियो कॉल कर सकते हैं जो कैदी अपने घर वालों के साथ में। तो ये किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये किया गया। आप लोग देखते हैं ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा। यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वाला स्टेट का नाम पता है आप लोगों को, चलिए जाइएगा देखिएगा इस वाले स्टेट को और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हो गया तेलंगाना, यहां पर हो गया कर्नाटक और ये हो गया गोवा, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मेशन डे आप लोगों को बताना है, ठीक है, कैपिटल सिटी मुंबई है। इसके अलावा जो यहां पर सी विद्या राव यहां पर कौन है, ये सी विद्यासागर राव यहां पर गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन इसका कब किया गया था ये आप लोग बता सकते हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन काफी न्यूज में और काफी कंट्रोवर्शियल भी है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये अभी काफी न्यूज में थे, 114 नंबर का जज यहां पर नियुक्त किया गया अभी यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में, तो किस पर्सनैलिटी को नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था आपका, मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी सिटी उत्तर प्रदेश की अभी इंटरनेशनल इंडियन साइंस फेस्टिवल 2018 स्टार्ट किया गया था, ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन, तो ये किया गया था लखनऊ के द्वारा, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को देना था। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, खासकर जब बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है। लखनऊ के चीफ मिनिस्टर कौन है, आदित्यनाथ योगी जी, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखिएगा। और 2000 में ही उत्तराखंड बनाया गया था लखनऊ से तोड़कर, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड कौन से नंबर का स्टेट बनाया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं जो कि तिनक बिनक से क्वेश्चन होते हैं, आप लोग थोड़ा सा अगर वहां पर इग्नोर कर देते हैं चीजों को तो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा टोटल आज का डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा जहां पर भी आप लोग जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में हैं यहां पर, ताकि और ज्यादा अच्छे लेवल की हम लोग एजुकेशन सिस्टम को फैला सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।